देश में अब तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड। 17 बैंकों को लगा 35,000 करोड़ का चूना। वधावन ब्रदर्स ने दिया बैंक घोटाले को अंजाम। देश में एक बार फिर बैंकों को चूना लगाने का मामला सामने आया है। घोटाले को अगर आंकड़ों के लिहाज से आंका जाए तो ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा बैंक घोटाला माना जा रहा है। जी हाँ, ये घोटाला 34,615 करोड़ का बताया जा रहा है। इस मामले में सीबीआई ने दीवान हाउसिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी DHFL के पूर्व CMD कपिल वधावन और डायरेक्टर धीरज वधावन के खिलाफ केस दर्ज किया है। आरोप है कि वधावन ब्रदर्स ने मिलकर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया समेत 17 बैंकों से 34,000 करोड़ से ज्यादा का चूना लगाया है। आइए जान लेते हैं कि कैसे सामने आया ये घोटाला। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत पर CBI ने 11 फरवरी को कार्रवाई शुरू की थी। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने आरोप लगाया कि DHFL ने 2010 से 2018 के बीच अलग अलग काम के लिए 17 बैंकों से 42.871 करोड़ रुपए का लोन लिया था, लेकिन बाद में 2019 से ही बैंक का लोन चुकाना बंद कर दिया। इसके बाद सभी बैंकों ने कंपनी के खातों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी NPA घोषित कर दिया। इसके बाद सामने आया कि DHFL ने 66 कंपनियों को करीब 29,100 करोड़ दिए। इनमें से 29,849 करोड़ रुपए अभी भी बकाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक बैंकों से लिए गए पैसे को कंपनियों, लैंड और प्रॉपर्टीज में निवेश किया गया। बता दें कि एक समय था जब वधावन ब्रदर्स की प्राइवेट सेक्टर में तूती बोलती थी, मगर आज वो जेल की सलाखों के पीछे है। कपिल और धीरज वधावन मई 2020 से ही यस बैंक फ्रॉड केस के चलते जेल में बंद हैं। आइए जानते हैं कि कौन है वधावन बंधु। कपिल वधावन और धीरज वधावन DHFL के शीर्ष प्रबंधकों में शामिल रहे हैं। बैंक फ्रॉड सामने आने से पहले कपिल कंपनी के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर थे, जबकि धीरज वधावन तत्कालीन डायरेक्टर थे। दरअसल वधावन बंधुओं का विवादों से पुराना नाता रहा है। यस बैंक, PMC बैंक और कई अन्य मामलों में भी परिवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग की जांच कर रहा है। बताते चलें कि DHFL एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है जो अब डूबने की कगार पर है और इसे बेचने की प्रक्रिया चल रही है। मालूम हो कि वधावन ब्रदर्स का नाम UPPF घोटाले से भी जुड़ा है। UP पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के 45,000 कर्मियों के प्रोविडेंट फंड के करीब 2,268 करोड़ DHFL कंपनी में फंस गए थे। कुछ दिनों पहले वधावन ब्रदर्स का नाम ABZ शिपयार्ड यानी कि 23,000 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी मामले में भी सामने आया था। बहरहाल इस घोटाले की खबर सामने आने के बाद बैंकों और कारोबारी क्षेत्र में हड़कंप समझ गया है।